हेलो दोस्तों, मैं हर्ष भारद्वाज हर्ष ट्यूब में आपका स्वागत करता हूँ। आइए जानते हैं आज हम लोग कुकुटांडव त्वक भस्म के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कुकुटांडव भस्म बनाने की विधि। मुर्गी के अंडे के ऊपर का सफेद छिलका 10 तोला लेकर यवकूट कर लें। इसे एक मिट्टी के सकोर या छोटे से मिट्टी के बर्तन में रख ऊपर से चंगोरी का रस इतना डाले कि वह डूब जाए। बाद में सकोरे या बर्तन का मुंह बंद कर संधि लेप करके पूट में 10 सेर कंडों की आंच में फूंक दें। स्वांगशीलता होने पर इसे निकाल कर देख लें। सफेद मुलायम भस्म बन गई हो तो लेकर रख लें, अन्यथा यदि एक बार में आंच कम लगने या और किसी गड़बड़ी के कारण भस्म काली हो गई हो तो पुनः चंगोरी रस डालकर पूट दें। इस तरह से 2-3 पूट देने से उत्तम स्वस्थ और मुलायम भस्म बन जाती है। विशेष गुण वृद्धि के लिए कोई कोई इस भस्म में हिंगूल 4 तोला मिला ग्वारपाठा घृतकुमारी के रस में कूट टिकिया बना सूखा शराब सब पूट में बंद कर गजपूट में 5 से 6 फूट और दे देते हैं। अब जानते हैं कुकुटांडवक भस्म का मात्रा और अनुपात। 2 से 3 रति शहद से प्रातः और सायंकाल में दें। अब जानते हैं इसका गुण और उपयोग। इस भस्म को 1 रति की मात्रा में लेकर 1 रति वंग भस्म में मिला मलाई के साथ खाने से प्रमेह एवं मूत्र रोग नष्ट होते हैं। यह वाजीकरण और रसायन भी है। अतः धातु विकार में छोटी इलायची चूर्ण 4 रति कंतलोह भस्म 2 रति में मिलाकर द्राक्षा सब के साथ देने से शुक्र दोष दूर होकर शरीर में ताकत आ जाती है। इसके सेवन से स्वप्न दोष धातु का पतलापन आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। इस तरह स्त्रियों के रजो विकार तथा प्रदर सोम रोग अति नष्ट हो जाते हैं। प्रसव के बाद स्त्री अक्सर कमजोर हो जाया करती है। ऐसी अवस्था में कुछ रोज तक ताप लंकेश्वर रस में मिलाकर शरबत अनार के साथ इस भस्म का और ऊपर से 10 मूला रिष्ट या 10 मूल क्वाथ काढ़े का सेवन करने से उत्तम लाभ होता है। इससे स्त्रियों की कमजोरी भी दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।